यहाँ पे पूरी यहाँ जमात लगाई जाती है, यहाँ सब बच्चे वुजू करके अपने यहाँ नमाज अदा करते हैं, और गर्ल्स जो हैं वो उनके लिए अलग-अलग से प्रेयर रूम बनाया गया है, तो वहाँ पे नमाज अदा की जाती है। We have to give them life skills, we have to give them vocational trainings so that they will become good human. Actually, Islam already said it to us that make a person a good human. If he's a good human, he can be a good engineer. He can be a good doctor. जब तक कि बच्चे experimental way में नहीं सीखेगा तब तक उसको पता नहीं चल जाता है, क्योंकि वो जो उसके जो doubts है वो totally clear तब होंगे जब वो practically वो चीज़ें खुद से करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी facilities हमारा school provide कर रहा है वो best facilities है। यहाँ पे हिजाब compulsory है, खास करके मुसलमान बच्चों के लिए। जो दूसरे religion का होगा उसके लिए कोई मना ही नहीं है, वो उनका जो ड्रेस होगा वो उसी ड्रेस में आ सकते हैं। हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं दे आर वेरी टैलेंटेड, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो शाही भी होते हैं, बट वी आर गिविंग देम इंडिविजुअल अटेंशन। लाइक स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे डिबेट्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम हर एक बच्चे को ना वहाँ पे टाइम देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं दैट दे कम फॉरवर्ड एंड दे स्पीक। फाउंडेशन स्टेज के बच्चों की हम उनको हाथ पकड़ के हर एक चीज़ खाते भी है, बीट के वो रिटन वाला पोर्शन हो, हम उनका ग्रिप जो हैंड ग्रिप है वो भी इम्प्रूव करते हैं, एज वेल एज हम उनका ऑरल पार्ट भी बहुत अच्छा इम्प्रूव करते हैं। कि जिस दिन जुमा का दिन होता है बच्चों को स्पेशली मस्जिद में ले जाया जाता है ताकि वहाँ पे वो बा जमात जुमा की नमाज अदा करें। आते हैं और अल्लाह से भी ही दुआ करते हैं कि इन बच्चों को अल्लाह ताला राह रास्त पे लाए और इनको नेक रास्ते पे चलाए ताकि ये हमारे मुल्क का नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें और इस दून इंटरनेशनल का नाम रोशन करें। ये मेरी इल्तिजा है पाक परवरदिगार। तो हमारे स्कूल के बच्चे इनको कल को नेशनल लेवल एग्जाम्स में भी बैठना पड़ता है, तो हम उनको उन सब चीज़ों के लिए भी तैयार करते हैं। जब भी हम इंटरनेशनल स्कूल्स की बात करते हैं तो अक्सर वालिदैन की ये शिकायत रहती है कि स्कूल में मयारी तालीम तो दी जाती है लेकिन वेस्टर्नाइजेशन को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। लेकिन नाज़रीन किराम, आज जिस तालीमी इदारे में हम मौजूद हैं ये एक ऐसा इदारा है जो हाल ही में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ और देखते ही देखते काफ़ी मकबूलियत इसने हासिल की। नॉर्थ कश्मीर के कहीं कोनों से, कहीं गाँव से जो है यहाँ पे बच्चे आते हैं तालीम के लिए। यहाँ पे जो है उनके उस्तादा साहिबान जितने भी हैं उनको तैयार करते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। ये आज कंपटीशन का ज़माना है तो लोग जो है ये चाहते हैं, खासकर वालिदीन जो है ये चाहते हैं कि उनको वो अपने बच्चे को ऐसे एक स्कूल में जो है एडमिशन करे, ऐसे एक स्कूल में जो है दाखिला उनका कराए जहाँ पर वो मायरी तालीम के साथ साथ अखलाकी तालीम भी हासिल करें। बहरहाल नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं दून इंटरनेशनल स्कूल सिंहपुरा पटन में। यहाँ पे जो है ये, जैसे मैंने पहले भी बोला, हाल ही में ये एस्टेब्लिश हुआ और काफी मकबूलियत इसने हासिल की। आज हम इस स्कूल के हवाले से जानेंगे, आज हम आपको इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे और यहाँ पे टीचर्स के साथ बात करेंगे। इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब मौजूद है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले जो है आपसे जानना चाहेंगे, स्कूल के हवाले से जानना चाहेंगे, कब ये एस्टेब्लिश हुआ और एजुकेशन के हवाले से क्या कुछ आपका स्कूल जो है तैयारियां कर रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। What we believe in Doon International Schools comes with the motto that education for all. We are not only taking the cream of the society, we are giving education to each and everyone whosoever comes to our door, because we believe education to each and everyone. This school, Doon International School, Singapura Patan Baramula, is entirely working for the society. That means whosoever comes to our door, we are never saying no to him, because this is the only school where there is no pool criteria selection of any of the student. Whosoever comes to us, we believe if we will give education to each and everyone, either it is a low grade student, it is an average grade student, or it is a high grade student, we have to give education to each and everyone. सर अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे तो हाल ही में जो है ये स्कूल एस्टैब्लिश हुआ, पेरेंट्स से हमने बात की, यहाँ पे बच्चों से हमने बात की, क्वालिटी एजुकेशन तो बताते हैं लेकिन क्या रीज़न रहा कि ये स्कूल जो है काफ़ी मकबूल हुआ लोगों में, लोग जो है यहाँ पे एडमिशन के लिए आते हैं, तो क्या रीजंस रहे? वी आर नॉट हेयर टू मेक स्टूडेंट्स IAS ऑफिसर्स, वी आर नॉट हेयर टू मेक स्टूडेंट्स डॉक्टर्स, वी आर नॉट हेयर टू मेक स्टूडेंट्स ओनली इंजीनियर्स, बट द मेन मोटिव ऑफ दून इंटरनेशनल स्कूल इज टू मेक a student a good human being. If we will not make them humans, then it is our failure. Actually, NEP 2020 is saying that we have to give them life skills, we have to give them vocational trainings so that they will become good human. Actually, Islam already said it to us that make a person a good human. If he's a good human, he can be a good engineer, he can be a good doctor. I, as an academician, I believe that if you will see that today's young generation is indulged in the drugs,
everywhere, drugs are everywhere, especially the young generation of Kashmir. I always request to the young generation of Kashmir, please save yourself, because it is we teachers, it is we educators who is having the more moral responsibility to take an initiate. Because if we will not teach our students what is good and what is bad, because they learn things from their friends. I request parents of Kashmir especially, please be friendly with your children. I request all the teachers, I request all school managements, please be a little bit friendly with your children, be friendly with your students, and listen to them what actually they required from your side. Actually, what happens? Actually, we don't listen to anyone. We don't listen to our students. As a father, I'm not going to listen to my child. What happens? He is listening from his friend who is giving him a bad information about everything, so that he implies that things in his day-to-day life, which gives him, which makes him a bad person in his life. बहुत बहुत शुक्रिया सर, I will come back to you. हमारे साथ और एक मैम यहाँ पे मौजूद है, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे. मेरा नाम आनिसा असगर है. मैम क्या कहना चाहेंगे कि मॉरल एजुकेशन जो है, पेरेंट्स की अक्सर शिकायत रहती है कि बच्चे जो है इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं, वहाँ पे एजुकेशन तो प्रोवाइड की जाती है, लेकिन मॉरली जो है बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स है वहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन को प्रमोट किया जाता है. तो किस हिसाब से आपका इंस्टीट्यूशन जो है ये चीज़ें मैनेज करता है, और क्या कुछ जो है इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? जी जी सर, आपका क्वेश्चन है कि मॉरल एजुकेशन है. पहले मैं आपको बोलूँगी कि जो मॉरल एजुकेशन है वो हर एक टीचर जो है वो उसका ये रहता है, प्रायोरिटी रहती है कि हर एक टीचर जो है वो मॉरल एजुकेशन दे रहा है. और उसके साथ साथ हमने जो है इसके लिए स्पेशली टीचर जो वो हायर किया हुआ है. एक तो हम हर कोई सब्जेक्ट टीचर जो है मॉरल एजुकेशन देते हैं, और उसके साथ साथ जो है जो हमारा स्पेशली टीचर है, स्पेशल हायर किया हमने मॉरल एजुकेशन है, वो भी उनको मॉरल एजुकेशन देता है. मॉरलिटी के बाद जो है किस तरह से जो है डिजिटल ज़माना है, आज डिजिटल एजुकेशन का दौर है, तो डिजिटली आप कैसे बच्चों को ट्रेन करते हैं, और क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से स्कूल में है? जी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर हम करेंगे, हमारे पास जो है स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं सर, और ये जो हमने हर एक बच्चे को जो है टेक्नो सेवी बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे स्कूल में जो है वो स्पेशली कंप्यूटर के लिए अलग से लैब्स लगे हुए हैं, वहाँ पे हर सिस्टम्स लगे हुए हैं, और जो भी क्लास वहाँ पे जाते हैं कंप्यूटर, हमारे आईटी सर है वहाँ पे जो स्पेशली बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनको अलग से क्लासेस है, हमारी लैब्स हैं, और हर एक टाइम टेबल में उनकी क्लासेस होते हैं, तो दे गो इन द लैब्स ऑल्सो. और एक मैम यहाँ पे हमारे साथ है, मैम आपसे जानना चाहेंगे, जो पेरेंट्स है, वालिदैन है, उनकी अक्सर शिकायत रहती है, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे कोकरिकुलर एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वो ये इल्जाम भी लगाते हैं कि हमें बच्चों को जो है अलग से फिर ट्यूशन्स कराने पड़ते हैं. आपका स्कूल जो है इस हवाले से, एकेडमिक्स के हवाले से क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है, और किस तरह से जो है आप बच्चों को प्रिपेयर करते हैं ताकि उनका एकेडमिक्स जो है वो स्ट्रांग हो जाए? जी आप सही है कि बहुत सारे स्कूल जो है वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करिकुलर एक्टिविटीज पे करते हैं, बट जो हमारा स्कूल है दून इंटरनेशनल स्कूल बारामूला, हम ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने बच्चों के एजुकेशन और मॉरालिटी पे करते हैं, मॉरल एजुकेशन पे करते हैं. रही बात फाउंडेशन स्टेज के बच्चों की, हम उनको हाथ पकड़ के हर एक चीज खाते भी है, बीट के वो रिटन वाला पोर्शन हो, हम उनका ग्रिप जो हैंड ग्रिप है वो भी इम्प्रूव करते हैं, एज वेल एज हम उनका ऑरल पार्ट भी बहुत अच्छा इम्प्रूव करते हैं. हमारे पास बहुत सारे ऐसे एडमिशन्स भी आए जिनको कुछ भी नहीं पता थी, बट हमारा जो स्कूल है वो हमेशा पे करता अटेंशन उन्हीं ज़्यादा बच्चों को कि हम उनकी जो है उनकी लेवल जो है हमारे जो करंट स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनके बराबर पहुँच जाए. जो हमारे स्कूल के बच्चे इनको कल को नेशनल लेवल एग्जाम्स में भी बैठना पड़ता है, तो हम उनको उन सब चीज़ों के लिए भी तैयार करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में लॉजिकल रीजनिंग है, जो कि हर एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कल को फॉर एग्जाम्पल अगर वो MBA के लिए जाते हैं, उनको सीमैट में एक मेन सब्जेक्ट है जो लॉजिकल रीजनिंग है, तो हमारे बच्चे जो है वो ऑलरेडी पहले से ही लॉजिकल रीजनिंग पे अपना होल्ड कर रहे हैं. मैम प्रैक्टिकल लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है साइंस लैब में, अगर हम प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं या फिर कंप्यूटर एजुकेशन की बात करते हैं, तो बच्चे को प्रैक्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना उसका जो है माइंड वास्ट हो जाता है जब वो प्रैक्टिकल्स करता है और खुद जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करता है? जी प्रैक्टिकल अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो हमारा स्कूल है दून इंटरनेशनल स्कूल बारामूला, यहाँ पे हर एक फैसिलिटी है. बीएड के अगर कंप्यूटर का हम देखेंगे, हमारे पास कंप्यूटर लैब्स भी है, साइंस के जितने भी लैब्स है वो हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. जब तक कि बच्चे एक्सपेरिमेंटल वे में नहीं सीखेगा तब तक उसको पता नहीं चल जाता है, क्योंकि वो जो उसके जो डाउट्स है वो टोटली क्लियर तब होंगे जब वो प्रैक्टिकली वो चीज़ें खुद से करेंगे. तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज हमारा स्कूल प्रोवाइड कर रहा है वो बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड. फिर से आना चाहूंगा, मुझे ये बताइए जो ये रूरल एरिया है, आपको पता है कि सब डिवीजन पटन का, तो यहाँ पे कई सारे गाँव है, बच्चों को जो एक्सपोजर लेवल की कमी है, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन टैलेंट जो है बच्चों में है, तो किस हिसाब से आपका स्कूल जो है उनका एक्सपोजर, क्योंकि शाइनेस बच्चे फील करते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? जी सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो हमारे
बच्चे हैं, बहुत सारे रूरल एरियाज से आए हैं एज यू ऑलरेडी सेड। तो यहाँ पे जो है हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं दे आर वेरी टैलेंटेड। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो शाई भी होते हैं, बट वी आर गिविंग देम इंडिविजुअल अटेंशन। लाइक हमारे स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं या मॉर्निंग असेंबली होती है, तो हम हर एक बच्चे को ना वहाँ पे टाइम देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं दैट दे कम फॉरवर्ड एंड दे स्पीक। तो आगे जाके जो है वो उनको सामने, लाइक कल जाके उनको इंशाल्लाह वो डॉक्टर्स बनेंगे, वो लीडर्स बनेंगे। तो वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी, लाइक स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे डिबेट्स होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो हम हर एक बच्चे को वहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं, मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। नाज़रीन, इस जून इंटरनेशनल सिंहपुरा पटन में एक स्पेशल टीचर हमारे साथ मौजूद है जिनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, काफी सालों से ये पढ़ा रही है, 25 साल का इनका एक्सपीरियंस है, इन्होंने इंटरनेशनल कंट्रीज में भी पढ़ाया है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और कश्मीर के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ के बच्चों के हवाले से भी मैम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और बताइए कि कहाँ पे आपने पढ़ाया है और यहाँ पे आपने कैसा फील किया कश्मीर में आके और यहाँ के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी मेरा नाम सनम खान है, मैं जम्मू में रहती हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस 25 साल का है, मैंने जम्मू में पढ़ाया है, बहुत सारे स्कूलों में, बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में मैंने पढ़ाया है। उसके बाद मैंने दून इंटरनेशनल स्कूल जम्मू चवादी में पढ़ाया है, फिर उसके बाद मैं कतर चली गई, वहाँ में मैंने ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाया है, कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ाया है, इंडियन स्कूल में पढ़ाया है, CBSE पढ़ाया है, EYFS के जो करिकुलम है उसमें पढ़ाया है। तो मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारा एक्सपोजर मुझे मिला है। इंटरनेशनल कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, आपने कतर में आपने बोला कि आपने पढ़ाया है, जी, जब आप कश्मीर आई यहाँ पे, कश्मीर में क्या आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, क्या इंटरनेशनल कंट्रीज में और आज के दौर में अगर हम आज के कश्मीर की बात करेंगे, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्या आपको लगता है कि सिमिलर हुआ है जो फॉरेन कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आज यहाँ पे भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है कि आप यहाँ पे बच्चे जो है इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन उनको मिल सकती है? बहुत हद तक जो हमारा मुल्क है वो बहुत आगे जा रहा है, नो डाउट कि मैंने जो बिल्डिंग्स देखी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है वहाँ का, कोई इसमें शक व शुबा नहीं है कि वहाँ की बिल्डिंग्स में यहाँ की बिल्डिंग्स में कोई फ़र्क होगा। बिल्कुल वैसा ही माहौल है, वैसे ही बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऑर्गेनाइज्ड बच्चे हैं, थोड़ा शाइनेस होती है क्योंकि अभी एक्सपोजर उतना नहीं मिलता बच्चों को। तो आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को वो चीज़ हम दें जो बाहर के बच्चों में है। तो हमारा ये ख़ास मकसद है कि हम इन बच्चों में वो एबिलिटी पैदा करें, वो काबिलियत पैदा करें कि ये बच्चे आगे जाएं, आगे की तरफ जाएं। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों में वो चीज़ें हैं और हम उस चीज़ों को उभारने में पूरे कामयाब होंगे इंशाल्लाह रहमान। मैम, मॉरल एजुकेशन के हवाले से हम बात करेंगे, क्या आपको लगता है कितना इंपॉर्टेंट है मॉरल एजुकेशन आजकल के बच्चों में? जो है हम पेरेंट्स की अक्सर शिकायत रहती है कि मॉरली जो है बच्चे बिगड़े हुए हैं, तो ये स्कूल खासकर आप जो है क्या कुछ यहाँ पे ऐसे बच्चों को तैयार करते हैं ताकि मॉरली उनका जो कैरेक्टर जो है वो डेवलप हो जाए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि बेशक हर जगह पढ़ाई जाती है, एजुकेशन दी जा रही है, मगर हमारा मेन मोटिव ये होता है कि पहले हम मॉरल एजुकेशन दें कि बच्चे को ये पता हो कि अपने पेरेंट्स से कैसे उन्होंने बिहेव करना है, अपने टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, रोज़मर्रा के जो उनके अमाल हैं वो कैसे होने चाहिए, मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए बच्चा, वेल डिसिप्लिन्ड होना चाहिए बच्चा। तो हम पढ़ाई के साथ साथ उनको रोज़मर्रा में हम मॉरल एजुकेशन देते हैं। तो हम यही चाहते हैं और अल्लाह से भी यही दुआ करते हैं कि इन बच्चों को अल्लाह ताला राह रास्त पे लाए और इनको नेक रास्ते पे चलाए ताकि ये हमारे मुल्क का नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें और इस दून इंटरनेशनल का नाम रोशन करें। ये मेरी इल्तिजा है पाक परवरदिगार से। मैम, ये स्कूल जो है क्लाइम करता है, ये पहला ऐसा इंटरनेशनल स्कूल है जो यहाँ पे बच्चों को असिस्ट करता है नमाज के लिए, यहाँ पे जो है नजदीकी मस्जिद में लिया जाता है नमाज के लिए और यहाँ पे जो है हिजाब का जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो उस हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए क्या कुछ आप करते हैं? जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये जो स्कूल है इसमें किसी चीज की रोकथाम नहीं है। यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे मैसेज किया जाता है कि प्रेयर टाइम है, खासकर
मैदान में ये टाइम है, धूप का अच्छा खिलखिलाता मौसम है, यहाँ पे पूरी यहाँ जमात लगाई जाती है, यहाँ सब बच्चे वुजू करके अपने यहाँ नमाज अदा करते हैं, और गर्ल्स जो हैं वो उनके लिए अलग-अलग से प्रेयर रूम बनाया गया है, तो वहाँ पे नमाज अदा की जाती है, प्लस उसके साथ टीचर्स को भी टाइम दिया जाता है वो भी नमाज अदा कर सके। मैं कहती हूँ इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है, इतना फ्रीडम कहाँ हो सकता है कि हमें नमाज अदा के करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अब जैसे मैंने हिजाब पहना है, मैं कहती हूँ कि इंसान ये सोचता है कि पता नहीं हिजाब पहने नहीं पहने, मगर हमें पूरा फ्रीडम दिया गया है, हम पूरे हिजाब में आते हैं, बड़े आराम से पढ़ाते हैं, हमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है। खासकर कि जिस दिन जुमा का दिन होता है तो बच्चों को स्पेशली मस्जिद में ले जाया जाता है ताकि वहाँ पर वो बाजमात जुमा की नमाज अदा करें। यहाँ हर मज़ाहब के बच्चे भी हैं, हर मज़ाहब के टीचर्स भी हैं, तो बड़े प्यार से हम रहते हैं, कोई आपस में ये कोई ग्रज नहीं है किसी को किसी से, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ पे हिजाब कंपलसरी है ख़ास करके मुसलमान बच्चों के लिए, जो दूसरे रिलीजन का होगा उसके लिए कोई मना ही नहीं है, वो उनका जो ड्रेस होगा वो उसी ड्रेस में आ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर चीज़ की आज़ादी है, फ्रीडम है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स की आपने बात की। यहाँ पे हमारे साथ और एक मैम जो है मौजूद है जिनका नाम सुमन लता है। मैम कैसा आप फील करते हैं इस माहौल में जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के आपको यहाँ पे टीचर्स भी मिलते हैं, कुलीग्स भी मिलते हैं, तो क्या कुछ आप यहाँ पे फील करते हैं? यस सर, आई फील वेरी गुड बिकॉज आई हैड नॉट बीन इन कश्मीर बिफोर, सो फ्रॉम द डे आई हैव कम टू कश्मीर आई हैव फेल्ट टू गुड, पीपल आर वेरी गुड, चिल्ड्रन आर वेरी गुड, and I got a very good response from them and reply also. Ma'am, at the end of the day, what will be your message for the parents, particularly who are watching you in this catchment area in the subdivision Pattan? Thank you so much for your question. So thing is this, I want to tell parents, they should send their children here because their children are very safe here and their environment is also too good, too close to nature even. And we are there to take care of them. And see, this is the building where we build up the social and emotional skills of the children because we believe in doing and learning. बहरहाल नाज़रीन आपने सुना, हमने यहाँ पे जो है दून इंटरनेशनल स्टाफ के साथ बात की, हमने यहाँ पे टीचर्स के साथ बात की, आपने ये सुना कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को कैसे जो है मॉरली प्रिपेयर किया जाता है, एकेडमिक्स के साथ साथ जो है इनको डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बिठाने के लिए प्रिपरेशन आज से ही हो रही है। कश्मीर न्यूज़ सर्विस के लिए पटन से मोहसिन खान।